अध्याय। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होगा और अतः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें, ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे जगह एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें। और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार जाना पड़े और जब हमें शमशान जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज़ के लिए कभी नाश न होने वाली चीज़ को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किसी व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। इन 5 पर कभी विश्वास न करें। 1 नदियाँ, 2 जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, 3 नाखून वाले और सिंग वाले पशु, 4 औरतें। यह संकेत भोली सूरत की तरफ है, बहने बुरा न माने। 5 राजा घरानों के लोगों पर। अगर हो सके तो विश्व में से अमृत निकाल ले,
यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोए और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करे। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।